नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पवन है और आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बहुत लोगों ने फरमाइश की है कि मैं स्ट्रमिंग पैटर्न्स पे डिटेल लेसन पोस्ट करूं, तो आप लोगों ने नोट किया होगा मैं स्ट्रमिंग पैटर्न को हमेशा डिटेल में समझाता हूं। अगर आप उन पैटर्न्स को प्रैक्टिस करें तो आप बहुत से गानों के साथ बजा पाएंगे। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि इस लेसन सीरीज़ के थ्रू मैं आपको डिटेल में स्ट्रमिंग पैटर्न समझाऊँ, उनमें क्या फ़र्क है बताऊँ, और जहाँ जहाँ मैंने उस पैटर्न को किसी लेसन में दिखाया है वहाँ मैं उस लेसन के बारे में आपको बता दूंगा ताकि आप उस लेसन को देख सकें। तो आपको पैटर्न बजाते वक्त सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है कि आपके हाथ जो हैं, आप चाहे हाथ से बजाएं चाहे पिक या प्लेक्ट्रम से बजाएं, आपका जो राइट हैंड है, अगर आप राइट हैंड से बजाते हो तो उसका जो एक्शन है वो हमेशा सेम रहेगा, डाउन अप लगातार चलते रहना चाहिए। अगर आप ये याद रखेंगे तो आप प्राय प्राय सारे पैटर्न अच्छे से बजा पाएंगे। बहुत से पैटर्न ऐसे हैं जिनको आप दूसरे तरीके से बजा सकते हैं, लेकिन लगभग हमेशा आपको ये याद रखना है कि डाउन अप कंटिन्यूसली आपके हाथ चलते रहने चाहिए। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो डाउन अप करते वक्त आपको कुछ स्ट्रोक्स पर स्ट्रेस देना पड़ेगा, कभी कभी किसी स्ट्रोक्स को आपको म्यूट करना पड़ेगा, और हो सकता है कि कोई स्ट्रोक्स आपको स्किप करने पड़े। तो ये समझाने के लिए मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। तो जैसे ये मेरे हाथ अभी देख रहे हैं आप चाहे तो पिक यूज़ करें चाहे फिंगर्स यूज़ करें, बात एक ही है, आपके हाथ में चलने चाहिए। और जितने भी पैटर्न हैं मैं उनमें जब मैं यूँ बजाऊंगा तो मैं स्क्रीन पर आपको डी दिखा दूंगा, जब मैं यूँ बजाऊंगा तो आपको यू दिखा दूंगा, यानी कि डाउन और अप। अगर कैपिटल डी है तो इसका मतलब है आपको उस स्ट्रोक को थोड़ा जोर से बजाना है, अगर छोटा है तो उसको आपको हल्के से बजाना है, और उसी तरह से यू भी। और अगर मैंने म्यूटिंग इफेक्ट यूज़ किया है तो मैं स्क्रीन पर दिखा दूंगा कि आपको उस पर्टिकुलर स्ट्रोक को म्यूट करना है। तो एक एग्जांपल देखते हैं कि कैसे आप ये डाउन अप से अलग अलग पैटर्न बजा सकते हैं, फिर चलते हैं डिटेल में एक एक पैटर्न को देखते हैं। तो जैसे ये एक पैटर्न है, और अब ये एक पैटर्न है, पहला पैटर्न 8 स्ट्रोक पैटर्न था, दूसरा 6 स्ट्रोक पैटर्न था। तो आपने जैसे देखा मैंने अभी बजाया, चाहे 6 स्ट्रोक्स हो चाहे 8 स्ट्रोक हो, आपको हमेशा डाउन अप बजाना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ 3 या 4 स्ट्रोक्स अलग अलग पैटर्न्स के, और आप देखिएगा कि कैसे मेरे हाथ डाउन अप चलते हैं कंटिन्यूसली। जैसा आपने देखा सभी पैटर्न्स में मैं डाउन अप कंटिन्यूसली बजा रहा था, और आपको भी इसी तरह से बजाते रहना है। तो चलिए आज के लेसन में कुछ 8 स्ट्रोक पैटर्न्स देखते हैं। मैं आपको 3 पैटर्न दिखाता हूँ जो कि बहुत कॉमनली यूज़ किए गए हैं। पहला पैटर्न ये रहा, मैं इसको धीरे धीरे बजाता हूँ। तो पहला डाउन और चौथा आप, इन दोनों स्ट्रोक्स पे आपको स्ट्रेस देना है। ये पैटर्न मैंने बहुत से लेसन्स में दिखाए हैं। 2 एग्जांपल देता हूँ, एक है यादों की बारात फिल्म से चुरा लिया है, और दूसरा जो है तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम। और इसी पैटर्न में अगर आप म्यूटिंग इफेक्ट यूज कर दें तो देखिए किस तरह से साउंड करता है। मैं आपको एफ में दिखाता हूँ। वही पैटर्न है, फर्क सिर्फ इतना है कि आपको कुछ स्ट्रोक्स म्यूट करने हैं। सो सेकंड स्ट्रोक यानी जो आप स्ट्रोक है उसको म्यूट करना है, और 7 स्ट्रोक जो कि डाउन स्ट्रोक है उसको म्यूट करना है। तो अगर आप नहीं म्यूट करते हैं तो ऐसे बजेगा। अगर आप म्यूट करते हैं तो इस पैटर्न को आप देखना चाहें तो आप मेरे लेसन्स देखें गानों पर, क्या हुआ तेरा वादा फिल्म हम किसी से कम नहीं, और तू है वही फिल्म ये वादा रहा। तो एक और पैटर्न देखते हैं 8 स्ट्रोक्स का, जो कि मैंने बहुत से लेसन्स में दिखाए हैं और बहुत ही पॉपुलर पैटर्न है। इसको मैं थोड़ा आहिस्ते बजाता हूँ।
पहला डाउन स्ट्रोक पे आपको स्ट्रेस देना है, तीसरा डाउन स्ट्रोक पे भी स्ट्रेस देना है, और आपको जो सिक्स्थ सेवन्थ और एट्थ स्ट्रोक से उन पर स्ट्रेस देना है। और बाकी जो स्ट्रोक्स हैं उनको आप चाहे तो धीरे से बजाएं, चाहे तो आप स्किप कर दें, लेकिन आपके हाथ जो है जैसा कि मैंने पहले बताया था कंटिन्यूसली डाउन अप चलना चाहिए। बहुत ही पॉपुलर पैटर्न है, मैंने कई लेसन में दिखाए हैं। दो याद आ रहे हैं मुझे अभी, पहला है तुझसे नाराज नहीं है जिंदगी फिल्म मासूम से, वो भी जी मेजर में ही था, और दूसरा जो है आने वाला पल फिल्म गोलमाल से। और आज के लेसन में आपको मैं एक और पैटर्न दिखाता हूँ जो कि बहुत से लेसन में दिखाए गए हैं। अभी जो मैंने पैटर्न दिखाया था उससे बहुत ही मिलता जुलता है। तो इसके पिछले वाले पैटर्न से सिर्फ फर्क इतना है कि आपको स्ट्रोक नंबर फोर जो है अप स्ट्रोक वो भी बजाना, उस पर भी स्ट्रेस देना है। तो इसके पिछले वाला पैटर्न था, और ये वाला जो है बहुत ही पॉपुलर गाना है, पापा कहते हैं, इसके पर मैंने लेसन दिया है, उसमें ये पैटर्न यूज़ किया गया है। और इसको अगर आप म्यूटिंग के साथ बजाएं तो और भी अच्छा लगेगा, जैसे अगर आप सी में ही बजाते हैं। तो तीसरा डाउन स्ट्रोक है उस पर म्यूट करना है, सेवेंथ स्ट्रोक डाउन स्ट्रोक जो है उस पर भी आपको म्यूटिंग देना है। और भी बहुत से गानों में ये पैटर्न यूज़ किया गया है, जैसे कि वो हसीना जुल्फों वाली, उस पर भी मैंने एक लेसन पोस्ट किया है, उसमें यही पैटर्न यूज़ किया गया है। तो कोशिश करें, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। और आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर जाएं, आपको उन सब गानों के लेसन्स के लिंक्स मिल जाएंगे जहां पर मैंने ये पैटर्न डिटेल में दिखाए हैं। तो चलिए आज के लिए यहीं रुकते हैं, इन तीन पैटर्न्स को आप प्रैक्टिस करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा, और बहुत से गानों में यूज़ किए गए हैं। और अगले लेसन में मैं आपको और भी पैटर्न्स दिखाऊंगा। तो अपने कमेंट्स और क्वेश्चंस हमेशा की तरह मुझे ज़रूर भेजें, मैं कोशिश करूँगा और भी लेसन्स पोस्ट करूँ। तो अगले लेसन तक मिलते हैं, सी यू अगेन सून।